नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्पीड नेटवर्क पर। जी हाँ दोस्तों, आज की इस लेटेस्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पीएफ अकाउंट पर जो पेंशन पाने के लिए कितने साल करनी होगी नौकरी। जी दोस्तों, अगर आपको ज़्यादा पेंशन पाना है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको सरकारी नियमों के अनुसार और ईपीएफओ के नियमों के अनुसार कितनी वर्ष नौकरी करनी होगी, तभी आपकी पेंशन में कुछ अच्छा खासा मुनाफा होने वाला है सरकारी एवं निजी क्षेत्र में नौकरी पेश। जी दोस्तों, यहाँ पर केवल सरकारी की बात नहीं है बल्कि निजी क्षेत्रों की भी बात की जा रही है। लोगों की भविष्य की सुरक्षा के लिए सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि यानी कि ईपीएफओ को अनिवार्य बताया है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दूं कि नई दिल्ली से ये अपडेट निकल कर आ रही है। सरकारी, आपको बता दें कि सरकारी एवं निजी क्षेत्र में नौकरी पेशा लोगों की भविष्य की सुरक्षा के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ को अनिवार्य बताया गया है। ये आपको नियमित निवेश, टैक्स सर्विस और भविष्य की सुरक्षा प्रदान करता है। वह ईपीएफ खाते में निवेश करने पर आपको पेंशन का हक भी मिलता है। आपके वेतन से प्रोविडेंट फंड के रूप में कटने वाली रकम दो खातों में जमा होती है। इसमें पहला है प्रोविडेंट फंड यानी ईपीएफ और दूसरा है पेंशन फंड यानी ईपीएसआई। दोस्तों ईपीएस, दोस्तों आपको बता दें कि कटौती के तहत कर्मचारी के वेतन से कुल 12% काटी जाएगी। इतनी ही राशि नियुक्ता कंपनी यानी संस्था कर्मचारी के ईपीएफ अकाउंट में जमा करती है। इस कटौती का 3.66% हिस्सा आपके ईपीएफ अकाउंट में जमा हो जाता है, जबकि कटौती का 8.33% हिस्सा कर्मचारी पेंशन योजना में जमा हो जाता है। ईपीएस खाते में हर माह अधिकतम ₹1,250 की रकम जमा हो जाती है। दोस्तों पेंशन के लिए यह है शर्त। ईपीएफओ मेंबर्स को पेंशन पाने के हकदार बनने के लिए बिना किसी रुकावट से कम ईपीएफ अकाउंट में 15 साल योगदान देना होता है। कर्मचारियों को पेंशन तब मिलती है जब उसकी उम्र 58 साल यानी उसकी अधिक 58 साल या उससे अधिक हो जाती है। जब कर्मचारियों को ईपीएस अकाउंट खोलता है तो उसके साथ ही इसका ईपीएस अकाउंट भी खुल जाता है, जिसमें नियुक्ता कंपनी या संस्था को कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 12% जमा कराना होता है। इस 12% में से 8.33% कर्मचारी के ईपीएस अकाउंट से जमा होता है, जबकि 3.66% अकाउंट में जमा होता है, ईपीएफ अकाउंट में जमा होता है। ईपीएस खाते में करना होता है कितना अंशदान। दोस्तों नियुक्ता के मुताबिक ईपीएफ खाते में किए गए अंशदान का एक हिस्सा ईपीएफ खाते में जाता है। ये अंशदान 6,565 रुपये और ₹15,000 प्रति महीने के वेतन मान के हिसाब से किया जाता है। अगर आप इस स्कीम में 1 सितंबर 2014 से पहले जुड़े हुए हैं तो आपको 65 यहाँ पर देख सकते हैं। इस स्कीम में अगर आप 2014 से पहले जुड़े हुए हैं तो आपको ₹6,500 प्रति माह की वेतन के हिसाब से अंशदान करना होता है, जबकि अगर आप उससे बाद कई स्कीम से जुड़े हुए इस स्कीम से तो आपको ₹15,000 की सैलरी का अंशदान करना होता है। तो दोस्तों कैसा लगा हमारे द्वारा दी गई जानकारी? अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि हमारे चैनल पर पेंशनर और कर्मचारियों के लिए ये अपडेट दी जाती है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।